एवरीवन, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज हिंदी। फ्रेंड्स, आज के पैटर्न के लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं वो 4 के मल्टीपल में लेने हैं। 4 के मल्टीपल में हम फंदे लेंगे और ये हमारा 2 रोज का पैटर्न है, 2 सिलाइयों का पैटर्न है। देखिए, राइट साइड से शुरू होगा। फर्स्ट स्टिच को हम स्लिप कर लेंगे, अगले हमने फंदे को सीधा बुनना है, एक स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए, जो हमारे लेफ्ट नीडल पे ये 3 फंदे हैं जो सेकंड और थर्ड हैं, इसके बीच में से हम इस तरह से नीडल इंसर्ट करेंगे और एक लूप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसे हमने थोड़ा सा खींच के रखना है लूप को। अब अगले 2 फंदों को देखिए, धागा हम आगे लेकर आएंगे। 2 फंदे हमने ये वाले जो है इन्हें उल्टा बुन लेना है। तो ये हमने 2 फंदे जो थे उनका 3 बना लिए हैं यहाँ पे। अब फिर से हम धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, और फिर हम जो है लेफ्ट नीडल के 3 में से जो सेकंड और थर्ड है इनके बीच से इस तरह से नीडल इंसर्ट करके लूप ड्रॉ करेंगे। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर 2 सीधे बुनेंगे, फिर से जो है लूप ड्रॉ करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से लूप ड्रॉ करेंगे। तो हमने पूरी रो में यही करना है, एक बार लूप ड्रॉ करेंगे, उन फंदों को उल्टा बुन लेंगे और फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर से लूप ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे पास 4 फंदे रह जाएंगे जिन्हें हमने सीधा बुन लेना है। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। जो हमारी सेकेंड रो है उसे भी ध्यान से देखिएगा। ये जितने फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं यहाँ से, इन्हें हमने उल्टे बुनना है, 1, 2, 3, 4। ये जो है हमारा, इसे हमने उस तरफ से उल्टा बुना था, इसे भी उल्टा बुनेंगे। यानी हमने टोटल यहाँ पे 5 स्टिचेस उल्टे बुन लिए हैं। अब देखिए, ये हमने लूप ड्रॉ किया था, इसे हमने इस फंदे के साथ उल्टा बुनकर, एक फंदा जो हमारा बड़ा था पिछली बार वो, उसका हमने 2 का 1 बना लिया। अब फिर से हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, और ये देखिए, ये हमारा लूप के साथ वाला फंदा है, इन्हें हमने दोनों को एक साथ उल्टा बुन लेना है। फिर से 3 उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर 2 उल्टे एक साथ बुनेंगे, फिर से 3 उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, और फिर से 2 उल्टे एक साथ बुनेंगे। फिर 2 उल्टे रह जाएंगे हमारे जिन्हें हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। तो ये रो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट रो है, देखिएगा, रो थर्ड, उसे हमने रो 1 की तरह ही बुनना है, लेकिन इस बार जो ये हमारी गांठे सी बन रही है, जो ये अब इन दोनों के ऊपर आ जाएंगी। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे, पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था, इस बार हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 एंड 3। देखिए, स्लिप करने के बाद 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब ये वाले जो 2 फंदे हैं, इनके बीच में से इस तरह से नीडल इंसर्ट करके लूप ड्रॉ करेंगे और इन्हें दोनों को उल्टा बुन लेंगे, फिर 2 सीधे बुनेंगे, जैसे रो 1 में किया था सेम वही करेंगे। फिर से हम इस तरह से लूप ड्रॉ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से 2 सीधे बुनेंगे, फिर से 1 लूप ड्रॉ करेंगे, फिर 2 उल्टे बुनेंगे, फिर 2 सीधे बुनेंगे और फिर 1 लूप ड्रॉ करके 2 उल्टे बुन लेंगे। लास्ट में हमारे पास जो रह जाएंगे 2 सीधे, उन्हें हमने सीधे बुन लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली है। फिफ्थ रो में हमने फिर से, सॉरी फोर्थ रो है ये हमारी, फोर्थ रो में हमने फिर से रो 2 की तरह करना है। देखिए, 2 फंदे ये उल्टे आ गए, 1 फंदा ये वाला आ गया, यानी 3 उल्टे आ गए। जो रो 2 थी उसमें 5 उल्टे आए थे, यहाँ पहले 3 उल्टे आएंगे। अब ये हमारा लूप के साथ वाला फंदा है, तो इनको हमने दोनों को एक साथ बुन लेना है। फिर हम ऐसे ही 3 उल्टे बुनेंगे, 2 एक साथ बुनेंगे, 3 उल्टे, 2 एक साथ, तो ये रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमने रो 1 से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम ये अल्टरनेटिवली रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने कुछ रोज इसकी बनाई हैं,
तो एक्सक्लूसिवली मैंने ये, क्योंकि मेल्स स्वेटर्स के लिए, पुलोवर्स के लिए बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे पैटर्न की, तो मैंने उसके लिए इसे अपलोड किया है। देखिए बहुत अच्छा इफेक्ट देता है इस तरह से ये, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप इसे बच्चों के जो जैकेट्स वगैरह में, कोट्स में, इवन अपने आप कार्डिगन्स में भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।